नमस्ते दोस्तों, YouTube चैनल इंडिया ओल्ड एज में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में मेगास्थनीज के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, मेगास्थनीज कौन था, ये किसके शासनकाल में भारत आया था और इसने कौन सी यहाँ पर रहकर इसने कौन सी पुस्तक लिखी, उसमें क्या क्या बताया, आज हम सभी चीजें इसमें पढ़ेंगे। भारत में कई विदेशी यात्री भ्रमण करने आए। उन्होंने यहाँ पर कई राजाओं के दरबार में रहकर उनकी शासन व्यवस्था के बारे में देखा तथा उसे समझा। इन सभी अनुभवों को उन्होंने लिखा, जिसे आज हम पढ़ते हैं। ऐसे ही विदेशी यात्रियों में से मेगास्थनीज भी एक विदेशी यात्री था, जिसके बारे में हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। अब देखिए मेगास्थनीज कौन था। यह एक यूनानी यात्री था। यह सेलूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि भाई ये जो मेगास्थनीज था, ये कौन था, इसको किसने भेजा था, ये किसके दरबार में यहाँ पर इंडिया में आया था और ये कब आया था। तो इसको 305 ईसा पूर्व में यूनान और भारत के मध्य हुई संधि के तहत भारत आना पड़ा था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य गिन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है, ठीक है। तथा इसने अपनी पुस्तक में पाटलिपुत्र को सबसे बड़ा नगर बताया है तथा राजा के राज प्रसाद का भी बड़ा ही सजीव वर्णन किया है। मेगास्थनीज ने वर्णन किया है कि उस समय राज्य में शांति थी, लोगों को घरों में चोरी का कोई डर नहीं था तथा यह बताता है कि राजा का जीवन बड़ा ही ऐश्वर्यमय था, ठीक है। मेगास्थनीज ने वर्णन किया है कि राज्य में शांति थी, लोगों के घरों में कोई चोरी वोरी कुछ नहीं होता था, अर्थात लोग शांति से रहते थे। अब देखिए दोस्तों, कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि भाई मेगास्थनीज कब आया था, किसके दरबार में आया था और उसको किसने भेजा था, ठीक है। इसने मौर्यकालीन भारत के बारे में अपने अनुभवों एवं विचारों को अपनी पुस्तक इंडिका में लेखबद्ध किया है। यद्यपि मूल पुस्तक तो अप्राप्य है, मतलब अभी तक वो पुस्तक हमें मिली नहीं है, किंतु परवर्ती लेखकों जैसे उसके बाद जो भी लेखक आए उन्होंने, जिनमें एरियन है, स्ट्रेपो है, प्लिनी है, इनकी रचनाओं में उसकी पुस्तक के कुछ अंश हमें मिले हैं। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज में सात वर्ग थे। उसने दास प्रथा का उल्लेख नहीं किया, किंतु मेगास्थनीज ने सती प्रथा का उल्लेख किया। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछते हैं एग्जाम में। उसके अनुसार भारतीय यूनानी देवता डायोनिसियस तथा हेराक्लीस की पूजा करते थे। अब देखिए ये डायोनिसियस और हेराक्लीस कौन कौन थे। डायोनिसियस शिव थे तथा हेराक्लीस कृष्ण थे। इनकी पूजा से मतलब यहाँ पे इसकी इनकी पूजा की जाती थी। मेगास्थनीज ने लिखा है कि भारत में दुर्भिक्ष नहीं पड़ते थे। उसके अनुसार मौर्य काल में नगर का प्रबंध एक नगर परिषद द्वारा होता था, जिसमें 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियां काम करती थी। इसमें भारतीय पत्तनों, बंदरगाहों तथा व्यापारिक माल का वर्णन किया गया है। यह संगम युग का महत्वपूर्ण विदेशी साहित्यिक स्रोत है। देखिए दोस्तों, जो यहाँ पर आपको नीले रंग में जो यह संगम युग दिख रहा है, इस पर आप यदि क्लिक करोगे तो संगम युग के बारे में भी हमने लिखा हुआ है, वो भी आप पढ़ सकते हो, साहित्यिक स्रोत भी आप पढ़ सकते हो। इसमें दक्षिणी भारत के पत्तनों एवं प्रथम शताब्दी ईस्वी में रोमन साम्राज्य के साथ होने वाले व्यापार का विस्तृत वर्णन मिलता है। थैंक यू दोस्तों, आपने मेरा वीडियो देखा। आपको यदि ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट्स करो। धन्यवाद दोस्तों।